नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री। बात करेंगे आज सूर्य महाराज के मेष राशि के परिवर्तन के बारे में। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 2012 को शाम को 7:19 को मेष राशि में जाने वाले सूर्य राशि चक्र की प्रत्येक राशि को कैसा फल देने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। राशि चक्र की जो प्रथम राशि है वो मेष है, और मेष राशि को जो सूर्य है चंद्र के ऊपर से जाएंगे, तो चंद्र के ऊपर से जो सूर्य का भ्रमण है वो थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र के ऊपर से सूर्य का भ्रमण है, शॉर्ट टेम्परनेस बढ़ सकता है, हेल्थ का आपको केयर करना पड़ेगा। राशि चक्र की जो दूसरी राशि है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि को जो सूर्य है वो 12वें स्थान में से चलेंगे। 12वें स्थान में जब सूर्य चलते हैं तो अब आपको हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट में या कोई कोर्ट कचहरी में कोई केस चलता है तो आपके अगेंस्ट में हो सकता है, और फादर से भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। राशि चक्र की जो तीसरी राशि है वो मिथुन राशि है, और मिथुन राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो 11वें स्थान में है। 11वें स्थान में सूर्य का भ्रमण है वो भी बहुत शुभ माना गया है, राजयोग करने वाला माना गया है, मित्रों से लाभ रहेगा। राशि चक्र की जो चौथी राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो 10वें स्थान में होगा। 10वें स्थान में भी सूर्य का भ्रमण बहुत शुभ माना गया है। ये उच्च के सूर्य 10वें स्थान में आपको कार्यक्षेत्र में अद्भुत सफलता देने वाले हैं। इट मेक्स राजयोगा। राशि चक्र की जो पांचवी राशि है वो सिंह राशि है, और सिंह राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो भाग्यस्थान में होगा। भाग्यस्थान में सूर्य का भ्रमण जो है वो भाग्य वृद्धि करने वाला है, भाग्य आपका चमकने वाला है कुछ ही दिनों में। राशि चक्र की जो छठी राशि है कन्या राशि है, और कन्या राशि में जो सूर्य का भ्रमण है वो अष्टम स्थान में होगा। अष्टम स्थान में सूर्य का भ्रमण शुभ नहीं माना गया है। फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर से थोड़ा सा टेंशन मिल सकता है। आंखों की भी विशेष केयर करें, हेल्थ की केयर करें। राशि चक्र की सातवीं राशि तुला राशि है, और तुला राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो सप्तम भाव में होगा चंद्र राशि से। चंद्र राशि से सप्तम भाव में सूर्य का भ्रमण जो है वो न ज़्यादा शुभ है न ज़्यादा अशुभ है, मध्यम प्रकार का माना गया है। हालांकि आपको दाम्पत्य जीवन में विशेष केयर करना पड़ेगा। राशि चक्र की जो आठवीं राशि है वो मेष राशि है, और आठवीं राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि को जो ये मेष के सूर्य है वो छठे स्थान पर चलेंगे। छठे स्थान में सूर्य का भ्रमण है वो भी राजयोग करने वाले माने गए हैं। सरकार से लाभ रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा, एब्रॉड रिलेशन से लाभ रहेगा, शत्रु एवं रोग पर विजय मिलेगा। राशि चक्र की जो नौवीं राशि है वो धनु राशि है, और धनु राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो पंचम भाव में होगा। लव मैटर में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, मित्रों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। दसवीं राशि मकर है, उनको जो सूर्य का भ्रमण है वो चौथे स्थान में होगा। गवर्नमेंट से टेंशन मिल सकती है, माता एवं पिता से भी टेंशन मिल सकती है। प्रॉपर्टी मैटर जो है उसमें आप थोड़ा डिले करें तो ये बेहतर होगा इस महीने के अंदर। ये भ्रमण जो है वो 13 अप्रैल से एक महीना चलेगा, माने के 13 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा। राशि चक्र की जो 11वीं राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि को जो सूर्य का भ्रमण है वो पराक्रम स्थान में है। पराक्रम स्थान में सूर्य का भ्रमण बहुत शुभ माना गया है, राजयोग करने वाला माना गया है, आपको साहस में अद्भुत सफलता मिलेगी। और राशि चक्र की जो अंतिम राशि है मीन राशि है, उनको सूर्य का भ्रमण जो है वो धनु स्थान में होगा। आंखों की विशेष केयर करें, हालांकि फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फाइनेंशियल कंडीशन विल इम्प्रूव इन दिस मंथ, ये आपके लिए भ्रमण थोड़ा शुभ रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक और नए प्रेडिक्शन के बारे में।